दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे, बहुत अच्छे होंगे जैसे कि मैं हूँ। दोस्तों चलो एक छोटी सी रेसिपी के साथ आज हम स्टार्ट लोगों करते का हैं। गुजिया खाने का मूड हुआ है, तो इसलिए हम लोग, वैसे तो गुजिया होली दिवाली स्पेशल होती है हमारे यहाँ यूपी में, बट दोस्तों अभी हम लोगों का मन है गुजिया खाने का, तो अभी हम लोग गुजिया बनाने हैं दोस्तों। तो हम मावा भी यूज करेंगे दोस्तों, और थोड़ी सी सूजी, सूजी और मावा दोनों मिक्स करके दोस्तों हम गुजिया बनाएंगे। और इसमें हम ड्राई फ्रूट ज़्यादा डालेंगे, ड्राई फ्रूट का ये काजू है, ये सॉरी काजू है, ये बादाम है, और ये जो खाने वाली इलायची है दोस्तों, और थोड़ा सा मसाले भी हम थोड़ा ऐड करेंगे इन गुजिया में। ये 10 मैंने मतलब काली मिर्च ली है दोस्तों, इनको भी अच्छे से कूटेंगे फिर हम यूज करेंगे। और घी, घी भी लगेगा दोस्तों, पता है गुजिया बनेंगी तो घी तो लगना ही है। और ये हमारा मैदा है, तो सबसे पहले हम मैदा को गूंथ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आगे की स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैदा जो हम आटा गूंथेंगे उसमें हम अच्छा खासा घी भी डालेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो ये 1 चम्मच ये है। हमारे यहाँ इसमें तो मोहन बोलते हैं दोस्तों, और आप क्या क्या बोलते हैं आप जरूर बताना दोस्तों। इसमें काफी डाल लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसको थोड़ा सा टाइट, रोटी से थोड़ा सा टाइट ही दोस्तों गूंथना है इसको, क्योंकि इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए हम देंगे, तब तक ये आटा सेट हो जाएगा। तो जो रोटी हम बनाते हैं वो तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, पर इसके लिए हम टाइट ही आटा सान के रेडी रखेंगे, क्योंकि टाइट सानने से दोस्तों सही रहेगा, चिपकेगा सही से, और बस 5 मिनट तो रेस्ट करना ही हो ही जाएगा, क्योंकि और भी चीज़ें को जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे तब तक तो आटा ही अच्छे से सेट हो जाएगा। इसलिए इसका आटा हम टाइट ही आटा गूंथ चुका है, अच्छे से टाइट आटा है आप देख रहे हो दोस्तों। इसको 5-10 मिनट दोस्तों रेस्ट करने लिए रखते हैं, जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जब तक ये रेस्ट हो जाएगा। तो बड़ा चम्मच है दोस्तों, तो इसको मेल्ट होने देते हैं, फिर हम इसके बाद इसमें सूजी डालेंगे, जिससे कि सूजी का मतलब बहुत ही अच्छे से भुन जाएगी। फिर हम इसको भूनते हैं, घी देखिए मेल्ट हो रहा है, और हम अब सूजी को डाल देते हैं दोस्तों। ये है हमारी सूजी, और अच्छे से इसको चलाते हुए भूनेंगे। इसको भूनने में दोस्तों कम बहुत धीमी आंच में ही दोस्तों इसको भूनना पड़ेगा, और इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनना है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसको बस बहुत धीमी आंच में ही इसको कलर चेंज होने तक थोड़ा वेट। तो दोस्तों सूजी का कलर आप देख सकते हो थोड़ा ब्राउन हो गया है दोस्तों, ये अच्छे से भून चुकी है दोस्तों। तो अभी हमने गैस को बंद कर दिया है, और इसको एक थाली में निकाल लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने लिया कढ़ाई, तो आप देख सकते हो मैंने जो भी इसमें मैंने अच्छे से काजू को मैंने अच्छे से कर लिया है दोस्तों। अब इनको थोड़ी देर भून लेते हैं। जिससे कि ये थोड़ा से जो भी इसमें नमी हो वगैरह हो, तो ये थोड़ा सा ड्राई होके अच्छे से ये हो जाए। और इसमें काजू भी डाल लेते हैं दोस्तों, इनको भी मैंने अच्छे से कूट लिया है आप देख सकते हो दोस्तों। अब जो काली मिर्च मैंने लिए थे उसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया है, तो मैं सभी को इसमें अच्छे से डाल लूँगी दोस्तों। तो इनको थोड़ी देर धीमी आँच में ही इनको भी लगातार चलाते हुए इनको भूनना है, जिससे कि ये इनको 1-2 मिनट अच्छे से भून लो, जिससे कि इसका स्वाद और खुशबू दोस्तों बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हमारे ये हो गए हैं, 2 मिनट हो गया है दोस्तों, हम बंद कर देते हैं क्योंकि कढ़ाई इसको गर्म है। तो इसमें हम
पहन के चला। तो दोस्तों मैंने ड्राई फ्रूट ही सूजी के ऊपर ही डाल दिया है। अब हम दोस्तों ये मावा लेंगे, इसको क्रम्बल करने के लिए दोस्तों इसको भी भूनेंगे, कलर चेंज होने तक इसको भी भून लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मावा भी भून चुका है, आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें ही थोड़ी देर ये मावा को चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों भून चुकी हैं, अब हम उस सारा एक में ही डाल। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ये सारा चीज़ें इसी में डाल दिया है। अब है चीनी का टाइम, तो दोस्तों हम चीनी भी डाल देते हैं। ये मैंने चीनी जो दोस्तों अभी मिक्सी में पीसा है, तो इसलिए इसको हम मिलने तक मिलाते हैं दोस्तों, जिससे कि इसका अच्छे से पैटर्न बन के रेडी हो जाए। आप देख सकते हो अच्छे से मिल रहा है। और इसमें मैंने वो काली मिर्च तो मैंने दरदरा पीस के डाल दिया था, इलायची जो है उनको भी मैंने दोस्तों क्या है अच्छे से इसकी खुशबू आएगी जिससे कि। और इसमें किशमिश भी डाल देते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो ये किशमिश भी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसकी खुशबू तो 10 गुना बढ़ गई है इलायची डालने से, जिससे कि मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों खाने में। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए दोस्तों मेरा अच्छे से पैटर्न रेडी है और अब हम बनाते हैं, ये देखिए रेडी। तो दोस्तों ये 15 मिनट हो गया है और हमारा आटा जो है वो रेडी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी ये अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के रेडी रखेंगे। ये इतने आटे से मेरी इतनी लोइयां हुई हैं और इनको हम ढक के रख देते हैं और एक लोई को हम रखते हैं, इस तरह मसलते हैं दोस्तों। और ऐसे करके हम बेलना स्टार्ट करते हैं और इसको एक एक जैसा ही बेलना है, जिससे कि ये कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो। तो आप देख सकते हो इस टाइप का ही आप अच्छे से बेल के रेडी रखना। ये देखिए दोस्तों ये बेल गई है अच्छे से और इसको हम। तो दोस्तों ये गुजिया बनाने का सांचा है, जिससे ये सांचा लेने से इसको मोल्ड भी बोलते हैं दोस्तों, और ये सांचा भी है तो इसके हैं एक जैसी गुजिया बन के रेडी टाइप का लेके दोस्तों इस हिसाब से आप भरिए। आप देख सकते हैं और साइडों में जो भी आ गया हो इसको हम दबा देते हैं इस तरह से दोस्तों, और अच्छे से साइड में नहीं रखना है और थोड़ा सा पानी ले लेना है, साइडों में लगा दें जिससे कि ये गुजिया फटे ना पकाते टाइम। तो आप इस तरह करना ज़रूर दोस्तों। फिर ऐसे इसको इस तरह दबा देना है और हल्के हाथों से इसको निकाल लेना अच्छे से दबा के। ये रही दोस्तों, ये रही हमारी गुजिया रेडी है। इसको इस साइड में रख देते हैं, फिर से दूसरा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों इसी टाइप में हम सारी गुजिया को भर लेते हैं। ये आप थोड़ा सा दबा देना जिससे कि ये अच्छे से दब जाएगा। बार बार दोस्तों यही प्रोसेस करना है और इसको पानी को लगाना मत भूलना, वरना कभी कभी क्या है पकाते टाइम गुजिया फट जाती है या खुल जाती है। ऐसे आप करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। फिर इसको अरे प्लेट पड़ गई है दोस्तों, कोई नहीं, इस तरह से आप करके ऐसे कर लीजिए दोस्तों। तो ये देखिए बन के रेडी हुई गई गुजिया।
और तो ऐसे ही हम सारी गुजिया। तो दोस्तों मैंने तेल को गरम कर लिया है, आप देख सकते हो तेल को मैंने चढ़ा दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा एक गुजिया डाल के देखते हैं दोस्तों पक रही है। तो दोस्तों अभी दूसरी भी गुजिया डालते हैं और इसी तरह डाल डाल धीमी आँच ही रखना दोस्तों, आप देख सकते हो धीमी आँच में अच्छे से पकाना। तो अच्छे से गुजिया बन के रेडी होगी। गुजिया आ पाएंगी दोस्तों तो इसको धीरे से ही दोस्तों पलटना होगा, वरना फिर गड़बड़ भी हो सकता है। एक एक गुजिया को पलटते जाइए दोस्तों, और देख सकते हो धीरे धीरे से ही पलटना है और धीमी आंच में ही करके अच्छे से इसको पकाना है दोस्तों। धीरे धीरे गुजिया पकेंगी। धीमी आंच में पकाना है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी गुजिया पक चुकी है। अब हम इनको एक साइड में करके जिससे कि इसमें जितना भी तेल हो दोस्तों सारा निकल जाए और हमारी गुजिया बनके रेडी हो जाए। ये गुजिया बन चुकी है और हम गुजिया पकाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हम दोबारा भी ऐसे ही गुजिया पका लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो अच्छे से पका के डालना है दोस्तों। ज़्यादा फ्लेम को तेज नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम में ही रखना है दोस्तों। और धीमी आँच में ही सारी गुजिया को पकाना है। तो दोस्तों गोल्डन ब्राउन तक ही इसको भूनना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी गुजिया बनके रेडी हो रही हैं। एक साइड में करके इसका तेल सारा कढ़ाई में ही निकाल के देख सकते हो मेरी सारी गुजिया बनके रेडी हैं और अच्छी सी कुरकुरी कुरकुरी दोस्तों। अच्छा आप ये देखिए दोस्तों, अच्छे से स्टफिंग भी अच्छे से है और इसके लीजिए आप लोग भी खाइए हमारी अच्छी सी गुजिया टेस्टी गुजिया। तो दोस्तों फाइनली कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे पहले कि आटा आप गूंदो दोस्तों तो ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा हार्ड हो। और दूसरी बात है जब आप उसके गुजिया को भरना जो होता है वो गुजिया में जो गुजिया बनाने का सांचा जो होता है उसमें हम अच्छे से आप भरिए, बीच में भरिए नहीं तो आप बिल्कुल किनारे मत जाने दीजिए, ज़्यादा भी मत भरिए नहीं तो आपकी गुजिया फट सकती हैं दोस्तों। और तीसरी बात है कि और अच्छे से आप उनको पकाइए, अगर वो अच्छे से भरते टाइम वो मतलब बाई चांस कभी अगर फूटने लगी तो आप वो गुजिया को वापस हटा दीजिए वहाँ से, वरना वो सारा घी आपका जो आप घी में बना रहे हो या तेल में बना रहे हो तो वो आपका फिर खराब हो जाएगा। इसलिए आपकी बाई चांस कभी गुजिया फट भी जाए तो आप उस गुजिया को उसी वक्त वहाँ से निकाल लीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको हमारी गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, थैंक यू दोस्तों।